हेलो फ्रेंड, आपको न्यू वर्क सिलाई बिनाई में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे सिलाई मशीन रिपेयरिंग करना। तो देखिए, सिलाई मशीन में जो है दो प्रॉब्लम आया है, जैसे कि मशीन जो है अच्छा से सिलाई भी नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आवाज बहुत ज्यादा इसका हो रहा है। तो देखिए, इसको सिलाई करके आपको दिखा दे रहे हैं इस कपड़े पर, उसके बाद जो है सही करना बताएंगे। सही करने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप भी सही कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सिलाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इधर का जो सिलाई है सही है, लेकिन नीचे का जो सिलाई है दाना दाना जैसा खराब सिलाई आ रहा है। तो इसको जो है सही करेंगे। तो पहले जो है सही करेंगे यहाँ से। तो इसमें जो है आपको इसको खोलना पड़ेगा, जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी यहाँ से धागा जो है लूज निकलने लगता है, तो नीचे का जो सिलाई है खराब आता है। तो इसको खोल लेंगे, धागा भी हम निकाल लेंगे। इसको जो है अच्छा से आपको कोई भी कॉटन के कपड़ा से अच्छा से आपको साफ कर लेना है। उसके बाद जो है इसको भी साफ करना है। इसको साफ करने के बाद आपको वापस लगाना है। तो इसको जो है इस तरह से लगता है, देखिए। उसके बाद ये लगेगा, उसके बाद स्प्रिंग, और उसके बाद इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद आपको धागा डालकर देख लेना है। कभी कभी क्या होता है, देखिए ये बहुत ही ज्यादा टाइट धागा निकल रहा है। थोड़ा सा हम लूज करेंगे, ज्यादा टाइट भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा लूज भी नहीं, नॉर्मल धागा आना चाहिए यहाँ से। इस पर जो है एक बूंद सिलाई मशीन का तेल भी हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से धागा जो है खराब आ रहा है। तो सही हो जाएगा। इस कपड़े पर जो है हम सिलाई करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से धागा आ रहा है, सही हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, इसका प्रॉब्लम जो है सही हुआ है, लेकिन इधर जो है देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सही धागा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और टाइट करना है। उसके बाद जो है इसको फिर से सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं धागा जो है दोनों तरफ सही आ रहा है, धागा जो है सही हो गया है। अब जो है इसमें का जो आवाज बहुत ज्यादा कर रहा है उसको सही करना है। तो मशीन जो है आवाज कर रहा है, तो आपको जो है नीचे से बोबिन केस निकाल लेना है। उसके बाद जो है शटर खोलेंगे, शटर खोलने के बाद आपको आगे बता रहे हैं कैसे सही होगा। तो नीचे से जो है शटर खोल लिए हैं, बहुत ज्यादा भारी चल रहा था शटर, तो इसको जो है खोलना पड़ा। तो आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए, आपको जो है सिलाई हो रहा था, लेकिन देखिए नीचे जो है बहुत ही ज़्यादा धागा फंसा हुआ था। आप देख सकते हैं, देखिए इतना ज़्यादा, इसके वजह से बहुत ज़्यादा ही मशीन आवाज़ कर रहा था। तो शटर खोलने के बाद यह जो धागा है ऐसे ही निकल गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। देखिए, इसको जो है हम खोले थे तो इसमें का जाली निकाल लिए हैं, उसके बाद इसको अच्छा से सफाई कर लेंगे। खोलने के बाद जो है इसको भी सफाई कर लेंगे। सफाई करने के बाद जो है वापस इसको लगाएंगे, जिस तरह से एक एक पार्ट हम खोले थे वैसे इसमें लगा लेंगे। उसके बाद जो है जाली इस तरह से लगता है, तो जाली भी हम डाल लेंगे। उसके बाद जो तो जाली डालने के बाद आपको सिलाई मशीन का जो तेल है इसमें डालना ज़रूरी है, क्योंकि जो भारी चलता था
तो तेल डालने से जो है क्या होगा, सही हो जाएगा। उसके बाद जो है शटल लगाएंगे, तो शटल आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगाया जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जो न्यू बिगनर्स रहते हैं शटल लगाने में, चलिए दिखा रहे हैं। तो शटल लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, देखिए आप भी लगा सकते हैं। आपको जो है जो चांद जैसा बनाया है देखिए इधर रहेगा, और इसमें का जो जाली है इस साइड रहेगा, देखिए इधर रहेगा। उसके बाद जो है आपको इस तरह से आपको बैठा लेना है, उसके बाद थोड़ा सा मशीन भी चलाकर देख लेना है कि सही से लगा है या नहीं लगा है। शटल सही से नहीं लगेगा तो बार बार सुई टूटेगा, अच्छे से सिलाई भी नहीं होगा, तो आपको शटल को जो है सही से लगाना है। दोनों स्क्रू को जो है टाइट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका आवाज़ जो है सही हो गया है, इसमें धागा फंसा था इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा मशीन जो है आवाज़ कर रहा था, प्लेट लगा लेंगे, बोबिन केस भी डाल लेंगे। तो आपको जो है सिलाई मशीन चला के दिखा दे रहे हैं किस तरह से आवाज़ कर रहा है, देखिए। तो आप देख सकते हैं सिलाई मशीन का जो आवाज़ है सही हो गया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।